गेस व्हाट, आज है शर्वर के स्कूल का पहला दिन. गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप एंड प्लेइंग. मैं हूँ श्वेता. सो आज मैंने सोचा मैं ये वाला ब्लॉग जरूर से जरूर बनाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से कोई भी ब्लॉग नहीं ला रही थी. एंड ये जो आज का डे है वो बहुत ही स्पेशल है, एंड हर मदर के लिए थोड़ा इमोशनल भी होता है, क्योंकि उसको अपने बेबी को एक ऐसी जगह छोड़ना होता है जहाँ पर वो किसी को नहीं जाता उसका बच्चा. सो क्या न्यू जर्नी आज से स्टार्ट हो रही है, एंड मैं आज सो के उठी सुबह के 7 बजे. वैसे मैं लेट राइजर हूँ, मैं काफ़ी लेट सो के उठती हूँ, एंड शर्वेल भी लेट सो के उठता है, जैसे वो 10-10:30 बजे सो के उठता है, एंड आज मुझे उसे जल्दी उठाना है. देखिएगा मैं लास्ट में आपके साथ कई सारी चीजें शेयर करूंगी, एंड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. साथ ही आज का डे देखती हूँ मेरा कैसे जाता है. चलो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं कुछ बना लेती हूँ, नाश्ता बनाने जा रही हूँ. ठीक है, सो नाश्ता बनाते हैं, खाते हैं, एंड शर्वर को खिलाते हैं, एंड चलते हैं. वैसे तो मॉर्निंग में वो जल्दी कुछ नहीं खाता, बट मैं ट्राई करूँगी कि वो कुछ खा ले, क्योंकि रात में मैंने उसे जल्दी खिला दिया था जिससे कि वो उसे मॉर्निंग में भूख लग जाए. बट देखते हैं, अदरवाइज स्कूल में मील उसे मिल जाएगा तो मुझे टिफिन देने की ज़रूरत नहीं है. सो या चलते हैं. तो इसके बाद मैं फटाफट से लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ. यहाँ पे मैं तोरी काट रही हूँ, एंड इसके बाद मैं सारी प्रिपरेशन करके जाऊँगी स्कूल, ताकि मैं घर आऊँ बस खाली फटाफट से खाना बना ले लूँ. उसके बाद मैं आ गई रूम में, एंड मैंने लाइट ऑन करी तो शर्वल थोड़ा सा जग गया था ऑलरेडी, क्योंकि मैं थी नहीं बगल में, तो मे बी इसलिए भी जग गया हो, तो थोड़ा सा नींद से उठ गया था. तो मैंने इसे थोड़ा प्यार किया, एंड बच्चा जब सुबह सुबह उठता है ना, आप उसको जितना प्यार कर लो फिर वो पूरा अगर अच्छे मूड में है तो उसका दिन भी अच्छे मूड में जाएगा. सो इसलिए मैं इसे बहुत सारा प्यार करके टच वुड जगाती हूँ, एंड या अच्छे मूड में उठता है तो अच्छा रहता है, वरना क्रैंकी हो जाता ना तो फिर इसका थोड़ा टाइम के लिए रहता है. जब तक दोबारा नींद नहीं कर लेगा ना तब तक फिर ये ऐसे ही रहेगा. गुड मॉर्निंग, आई लव यू. सो यहाँ पे ये उठ के आ गया है, एंड मैं इसे काइट सिखा रही हूँ क्या, और बस गुड मूड में है. इसके बाद मैंने इसे रेडी कर दिया, और फटाफट से मैंने इसको बोला चलो हम लोग स्कूल चल रहे हैं. इसको बहुत सारा समझाया, और हम लोग स्कूल जा रहे हैं, हम लोग स्कूल में इन्जॉय करेंगे एंड खेलेंगे बहुत सारे टॉयज होते हैं वहाँ पे, और जा रहे हैं. बस इसे पूरे रास्ते में पढ़ाते हुए ले गई कि शर्वेल वहाँ पे मैम के साथ खेलना, वहाँ पे बच्चों के साथ खेलना, वहाँ पे बहुत सारे टॉयज हैं, मम्मा आपको लेने आ जाएगी थोड़ी देर में, और हम लोग स्कूल जा रहे हैं. तो ये खुशी खुशी सुन रहा था और बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था, इसके बहुत अच्छा लग रहा था. फिर उसके बाद थोड़ा सा इसे फील हुआ कि ये मतलब सुबह सुबह अभी कहाँ लिया, तो उसने हल्का सा मुँह अपना बना लिया था, बट इसके बाद वो हैप्पी हो गया था. एंड देन मैंने इसे स्कूल में छोड़ दिया, बस घर आ गई. सो गाइस, मैं घर आ गई हूँ, एंड बड़ा अजीब सा लग रहा है यार, आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि मतलब कि घर में मतलब कुछ है ही नहीं करने के लिए. ऐसे क्या होता है, शर्वेल होता है घर पे तो मैं पूरे टाइम ऐसे देखते ये नहीं करो या ये कर लो या ऐसे करो या वैसे, या मेरा दिमाग लगा, मैं फ़ोन भी चला रही होती, बट मेरा पूरा दिमाग मेरे बच्चे की तरफ होता है कि भाई वो क्या कर रहा है. और अभी वो घर पे नहीं है तो मुझे एक्चुअली खुश होना चाहिए कि भाई मतलब, क्योंकि कभी कभी मैं सोचती हूँ कि भाई तू सो जा तो मैं थोड़ी देर चैन से बैठ जाऊँ, भाई थोड़ा सांस ले लूँ, खाना खा लूँ, कुछ तो कर लूँ, बट अभी वो घर पे नहीं है तो मुझे बिल्कुल दिल नहीं लग रहा. मैं सच बता रही हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा. मैं घर के अंदर आई उसे स्कूल से छोड़ के, एंड इट वॉज लाइक कि पूरे रास्ते भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि स्कूटी पे जब हम आते हैं तो हम 3 लोग आते हैं जाते हैं साथ में, बट आज उसको स्कूल छोड़ के आई तो मैं अकेले आ रही थी, तो मुझे मतलब हस्बैंड के साथ तो मुझे अजीब सा ही लग रहा था कि भाई बीच में क्यों नहीं बैठा है मेरे. तो कितना मतलब अजीब सा लग रहा था यार, सच बता रही हूँ, अपनी फीलिंग शेयर कर रही हूँ, पता नहीं आप लोग क्या सोचोगे, लेकिन हाँ मतलब जैसा मैंने फील किया वैसे मैंने बता दिया. सो या अभी क्या हुआ है, मैं स्कूल में छोड़ के आ गई हूँ, तो 1.5 घंटे में मैं जाऊँगी एंड शर्वेल को लेके आऊँगी, एंड सुपर एक्साइटेड हूँ मैं. और मैं मेरी खुशी का दिन है, मतलब मैं खुश हूँ. मैंने जब सोचा था कि जब मैं पैदा हुआ था तो मैं ये सोचती थी थोड़े टाइम बाद कि अरे स्कूल जाएगा, मैं इसको कैसे स्कूल जाने दूँगी यार, मैं बहुत रोऊँगी, मैं बहुत इमोशनल हो जाऊँगी, मैं ये हो जाऊँगी, मैं वो हो जाऊँगी, बट ट्रस्ट मी मैं बहुत खुश थी. आज मेरा बच्चा स्कूल गया, मैं बहुत खुश थी. बस सुबह भी जैसे ही आपने देखा होगा मैंने अपने वीडियो की स्टार्टिंग करी तो एक स्माइल के साथ करी. और
हाँ नर्वस थी मैं, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं ऐसी नई जगह छोड़ रही हूँ, उसे कैसा एटमॉस्फेयर होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, लाइक बच्चा रोएगा तो नहीं, क्योंकि सबसे मेन चीज़ होती है ना जब बच्चा आपका रोने लगता है। फिलहाल मेरे साथ तो ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि शर्वर रो रहा है तो क्यों रो रहा है यार, मतलब क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, मैं थोड़ी सी लाइक पैनिक हो जाती हूँ। बट मैं आज खुश हूँ और मैं उसे छोड़ के स्कूल और मैं खुश थी, अरे मेरी लाइक स्माइल ऐसी थी तो बड़ी सी स्माइल थी मेरे ऊपर, मैं उसको बाय किया और लव यू बोला मैंने उसको, और वो भैया अंदर खेलने चला गया। और अभी मैं जाऊंगी 1.5 घंटे में, लाइक 1.5 घंटा भी ऐसा लग रहा है ना कि मतलब बहुत बड़ा टाइम हो गया है तो फिलहाल एंड मैं घर आ गई हूँ फाइनली। अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, फिर उसके बाद मैं उसे लेने जाऊँगी। सो मुझसे रहा नहीं गया था तो मैं फटाफट से स्कूल आ गई एंड मैं यहाँ बाहर बैठ के वेट कर रही हूँ। मैंने बोल दिया था टीचर को कि मैं आ गई हूँ, आपको जब मन हो तो भेज दीजिएगा, ठीक है। तो मैम, उन्होंने बोला कि मैम अभी वो क्लास में है, मैं आपको एक वीडियो सेंड कर रही हूँ, आप देख लो। सो उन्होंने मुझे वीडियो भेजा था, मैंने यहाँ पर एक क्लिक भी लगा दी और मुझे बहुत खुशी हुई वो बच्चों के साथ ऐसे ही देख रहा था, क्योंकि उसका फर्स्ट डे था। उसके बाद उसने कलर भी किया, यहाँ पर उसने कपड़े चेंज कर लिए बिकॉज पानी पिया था उसने तो गिरा दिया था। एंड इसके बाद वो ऐसे ही कलर वगैरह कर रहा था, थोड़ी बहुत एक्टिविटी करी उसने एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा देख के ये सब चीज़ें। और यहाँ पे मैंने उसको बुलाया, जब उसकी टीचर छोड़ने आई तो देखो कितना खुश होके वो आया था। एंड पता है वो अपने ट्रक्स भी लेके गया था बैग में रख के, पता है। और फिर उसके बाद वो घर आ गया एंड उसका अब सोने का टाइम हो गया है बिकॉज 12 बज रहा है एंड वो जल्दी उठ गया था, तो मैं उसे सुला रही हूँ। सो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी, ठीक है। सो वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।